हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हमारे एक स्टूडेंट हैं आदित्य कुमार, जिन्होंने पूछा है कि कैसे हम बैच वाला ऑप्शन चालू कर सकते हैं। बात करें बैच वाले ऑप्शन की तो ये इन्वेंटरी वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा ये आपको दिखाता हूं, उससे भी पहले ये देख लीजिए ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और अब हम वाउचर एंट्री पास करेंगे तो वाउचर पे क्लिक करना है आपको, और वाउचर पे जाने के लिए हमें क्या करना है, वी प्रेस करना है और फिर ये परचेस वाउचर में आ चुके हैं। डेट देख सकते हैं 31 मार्च 2020 दिखा रहा है, इसको चेंज कर लेता हूं F2 प्रेस करके, यहां 1/5/2019 कर देता हूं। ये हमने कर दिया 2019 और एंटर प्रेस किया तो ये डेट चेंज हो गई, 1 मई 2019 हो गई। अब यहां पर आएगा सप्लायर का इनवॉइस नंबर, ये डाल दिया हमने और ये डेट, और फिर यहां पर जावेद आलम से ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी, ये ले लिया हमने, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराया। अब देखते हैं क्या क्या स्टॉक आइटम हमारे पास मौजूद है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक्स है, इसी को ले लेते हैं हम। 5 बुक हम परचेज करेंगे और एक बुक की कीमत है ₹550, ठीक है। तो इसके हिसाब से टोटल आ गया। अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा सकते हैं, लेकिन आज का ये टॉपिक जो है वो बैच वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करना और लगाने के लिए है, तो ये अभी हमें दिखाई नहीं पड़ा। बात करें इस एंट्री की तो यहाँ पे देख सकते हैं यही वो एंट्री है, इसमें कहीं भी बैचेस वाला ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ा। तो इसके लिए क्या करना होगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ परचेज वाउचर में हम है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको प्रेस करना है F11 की। जैसे ही F11 की प्रेस करेंगे तो ये एक कंपनी का जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और अब आपको यहाँ पे इनेबल बैचेस ये ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर ये नो है, इसको आप कर दीजिए यस। आप नीचे एक्सपायरी डेट वाला ऑप्शन भी यस कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको नो रखता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ इसे एडिट मोड में लेके, एंटर 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 प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर एक अलग से स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। Alt के साथ C प्रेस करता हूं और यहां पे बना रहा हूं जावा। जावा एक बुक का नाम है और यहां पे बुक भी लिख देता हूं ताकि पता चलता रहे कि ये बुक है, ठीक है। और एंटर प्रेस किया, यहां पर आए और यहां पर जैसे ही आएंगे तो नीचे आपको एडिशनल डिटेल्स में मेंटेन इन बैचेस ये ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। और यहां पर Y प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को भी यस करना चाहते हैं तो ये भी यस रख दीजिए। एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और अब यहां पर आपको बैच नंबर देना होगा। तो यहां पे नंबर पे चलते हैं हम और यहां पर इसे एक नंबर दे देते हैं, बैच नंबर, ठीक है। तो ये नंबर हमने दे दिया है, आप देख सकते हैं। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। और ये डेट, और फिर यहां पे एंड ऑफ लिस्ट करता हूं। तो अभी इसको एक्सेप्ट कराने की बारी है, यहां से इसको करा लेता हूं एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसका प्रिंट देखते हैं कैसा प्रिंट आया हुआ है, ठीक है। तो यहां से दो बार डी प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए, अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। यहां से प्रीव्यू देखने के लिए आई प्रेस कर सकते हैं आप। और अब ये देखिए, ये इस तरह से कुछ आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पे, ओके। यहां पर आपको बैच नंबर भी दिखाई पड़ रहा है 1, 2, 3, 4, ये भी दिखाई पड़ रहा है मई 2019। इस तरीके से आप इस ऑप्शन को चालू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात ये समझ में आई होगी। यहां पर आपके कंपनी का नाम आ रहा है, कंसाइनी नेम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, शिफ्ट टू कहां शिफ्ट होना है, ठीक है। और ये इस तरह से सप्लायर है ये जावेद आलम, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं और कोई सवाल हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।